अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत जोड़ो यात्रा गोया इस तरह से कही जा रही कि यह परिवर्तन की आंधी है, लिहाजा शहर के यहाँ दिग्गज लीडर बैठे हुए हैं, सतीश जारकीहोली साहब और फिरोज सेठ साहब। आज सर आप यहाँ पर बेलगाम शहर के दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर ये जो परिवर्तन की एक आंधी कहा जा रहा है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा, तो इस पर क्या कहेंगे सर? वही राहुल जी ने आज बहुत अच्छा एक पद यात्रा शुरू किया है केरला से कश्मीर तक। सो अभी लगभग हमारा 70% तो कर्नाटक में यात्रा शुरू हुआ है और बहुत कामयाब भी हुआ है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है गुंडलपेट से यहाँ तक। और ये बारह जोड़ का मकसद है, जो देश में आज माहौल है, जो बीजेपी आरएसएस ने जो बनाया है, उसको हमको ख़त्म करना है सबको, और एक ही साथ एक ही मंच पे लाने का है। भेदभाव बहुत हो रहा है, सभी मस्जिद मंदिर से चर्च के ऊपर झगड़ा, खाने के ऊपर झगड़ा, रंग पे झगड़ा, हर स्टेप से एक एक झगड़ा हो रहा है। इसके लोग शांति से नहीं जी रहे भारत में। उसको एकता करने के लिए सभी, फिर वही हमारा पुराना जो सिस्टम था वो लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है राहुल जी के नेतृत्व में। तो इसके बहुत कुछ आप देख रहे हैं, इतना लोग आ रहे हैं, सुबह 6 बजे से शुरू होता है, रात 9-10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो यह ऐतिहासिक एक बहुत गांधी जी के बाद चंद्रशेखर एक बार पदयात्रा निकाली था प्रधानमंत्री, उसके बाद बहुत 30 साल के बाद भारत राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा ये यात्रा है। नहीं, पूरे मुल्की सतह पर यह तब्दीली आएगी, परिवर्तन आएगा सर, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उमूमन ये बात कही जा रही है कि एक नहीं परिवर्तन की आंधी कहा जा रहा है सर। जरूर आएगी, नया परिवर्तन जरूर हो जाएंगे। मैंने बताया सब एक साथ हमको रहना है, कोई जात का हो कोई धर्म का हो, शांति से जीना है, इसके लिए यात्रा ने जा रहे हैं पूरा भारत में। सो जरूर आपने कहा है वो जरूर परिवर्तन हो जाएगा। हमारे साथ एक और दिग्गज नेता यहाँ पर हैं जनाब फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब। उमूमन आपको एक जगह पर देखने के बाद कई सारे सवाल के जवाब भी मिल जाते हैं, तो ये जो आने वाली जो परिवर्तन यात्रा जो यहाँ पर आप शरीक भी होने आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखो ऐसे है, लोग जुड़ते हैं जैसे एक मैग्नेट होता है और वो लव चमक बोलते हैं ना, उसको खींचता है। ऐसे गांधी फैमिली में ये एक खूबी है कि ये लोगों को पास लाते हैं। मकसद क्या है, जैसे सतीश भाई ने कहा कि बहुत से दिलों को ख़राब किया गया है जिसको फाउंडेशन और बेसिस है नहीं। कोई भी बात दे कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ बैठा है, इतिहास में 1500 साल पहले ये हुआ वो हुआ, एक नैरेटिव चला करके एक हद तक डैमेज किया है उन्होंने वतन को। अब वतन को दोबारा और ज़्यादा नुकसान होने से पहले लोगों को समझाना, और समझाने के लिए कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, बेसिकली कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है जो ये काम कर रही है, और आइडियोलॉजी के होते हुए जब आइडियोलॉजी अभी तक एब्सोल्युटली स्ट्रांग है, बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुई है, तो लोग काफ़ी जुड़े हैं, और हर हर इस क्षेत्र में ये मैसेज जाएगा कि अब बेलगाम जिला, बेलगाम बीजापुर हुबली धारवाड़ सतीश भाई है, तो वहाँ से वो बात करेंगे कि भाई ये हमारा इंटेंशन है। तो एक छोटी सी यात्रा समझो एक हिस्से के बेलगाम बीजापुर धारवाड़ हुबली ये एरिया में होने लग जाएंगी, तो पीपल विल नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टू दिस आइडिया ऑफ बीइंग टुगेदर। अब सामने दिवाली है, दिवाली में तो सब साथ में ही रहते हैं, तो दीज आर थिंग्स विच आर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। और ये देखते देखते जैसे जैसे चलता जाएगा, इनके आगे के तोड़ने के काम तो अब स्टॉप हो जाएंगे और पीछे जो तोड़े हुए हैं वो रिपेयर होते जाएंगे। दिस इज़ द इंटेंशन कि भाई जब एक भीड़ में सब जाति के लोग मिलकर चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मिलकर ही चलेंगे ना आगे भी। तो बिल्कुल आपने जैसे कहा कि सर
एक परिवर्तन की आंधी है, सर ने भी कहा आपने भी कहा, लेकिन कहीं तो भी एक बात जो मीडिया में भी है और उमूमन आवाम में भी दिखी, क्या सर मैं आपसे भी वो मुखातिब हूँ आपसे भी, क्या इंटरनल क्लैशेस कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकती हैं? नहीं, इंटरनल तो सभी पार्टी में रहता है, ऐसा नहीं है कांग्रेस में एक ही है, भाजपा में, जेडीएस में और कितना भी पार्टी है देश में उसमें तो इंटरनल प्रॉब्लम रहता है, मगर कुछ हद तक रहता है, चुनाव आता है तो सब मिलके वो लड़ते हैं, ऐसे नहीं है सब तो रहता है, उनका तो खुद का एजेंडा रहता है, उनका राय अलग रहता है। नहीं, क्योंकि ये पहली मर्तबा कांग्रेस अगर कमबैक कर सकती है तो कर्नाटका से इस तरह से उम्मीद लगाई हुई है। नहीं, कितना भी किसी का भी इंटरनल प्रॉब्लम हो तो वो पार्टी के लिए कुछ असर नहीं होने वाला है, पार्टी पार्टी रहेगा। जी सर, आप कुछ ऐसा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, पर्सनल डिफरेंसेस किसी के भी नहीं होते ज़्यादातर, नहीं तो वो फिर चंबल की खानदानी दुश्मनी वो अलग बात है। पर्सनल ओपिनियंस में जब डिफरेंसेस होते हैं तो उसके ऊपर बड़े लोग भी हावी होते हैं और वो सबको ला के साथ में ले चल के, अब कल मुझे लगता है कि खड़गे साहब जैसे एक यूनिफाइंग और एक बड़े फोर्स आ जाएंगे, और ख़ास करके जब कर्नाटक के हैं तो एडवांटेज कर्नाटक ही रहेगा, वो तो कर्नाटक के बच्चे बच्चे को भी जानते हैं और बड़े भी हैं तो सबको बुला सकते हैं, ठीक ठाक हो जाओ चलो। तो ये एक एल्डरली जो रिस्पेक्ट होता है वो हर पार्टी में होता है और ज़्यादा करके कांग्रेस में, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है तो सबसे एल्डरली लोग हमारे पास ही रहेंगे, सबसे पुराने बदमाश कहीं और होंगे लेकिन सबसे पुराने अच्छे लोग यहीं पे मिलेंगे आपको, जहाँ दिल साफ है, जहाँ आइडियोलॉजी क्लियर है। आइडियोलॉजिकल क्लैश जब होता है तब पार्टी कोई जाता है आता है वो अलग बात है, मगर आइडियोलॉजिकल क्लैश कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। एक सीएम तो अभी दो चार लोग बनना चाहेंगे, थोड़ा बहुत तो वो आपस में होता रहेगा, उनके सपोर्टर ऐसे बोलेंगे कि वो अंदर तक जाके पहुंच के झगड़ा नहीं होता है, इट इज़ फ्रॉम सुपरफिशियली, प्रेस वाले थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं उसको, नहीं तो पेपर में लिखना भी तो कुछ चाहिए ना, आपका भी धंधा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सदर अंजुमन आसिफ राव सेठ साहब, जिस तरह से यह परिवर्तन यात्रा के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं बेलारी में, तो इसको किस पस मंज़र में देख रहे हैं सर आप? जो केरला से चला है अब यहाँ बेल्लारी तक पहुँचा है, जो राहुल गांधी जी को सपोर्ट मिलते जा रहा है, जो जुड़ते जा रहे हैं लोग, वो कश्मीर पहुँचने तक पूरा वतन जुड़ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि जुड़ाने वाली पार्टी कौन सी है और तोड़ने वाली पार्टी कौन सी है।